हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पर। तो एनबीसीसी में साइट इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ हमारा एसएससी जेईई फुल न्यूट्रिशन पैक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता ही है। लिंक आपको तीनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ए टू जेड प्रिपरेशन करवा दी जाएगी आपको एसएससी जेईई की। 150 डेज की यहाँ पे आपको मिल रही है वैलिडिटी। टॉप क्वालिटी के लेक्चर्स मिलेंगे, फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी आपको। आप जेईई बन जाओगे, इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं। 3499 का यहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा इलेक्ट्रिकल और सिविल का, और 2499 का आपको मिल जाएगा मैकेनिकल का। ऊपर से 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा कूपन कोड इस्तेमाल करने पर। और गेट ऑल इन वन कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप गेट के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। 15999 का ये कोर्स है, जैसा कि मैं आप देख सकते हो स्क्रीन पर, गेट सिविल ऑल इन वन कॉम्प्रिहेंसिव पैक यहाँ पर 15999 का, और 2022 फरवरी तक ये वैलिड रहेगा। ए टू जेड प्रिपरेशन करवाई दी जाएगी। 4.9 स्टार रेटिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी यहाँ पर रेटिंग है। फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी और आपका गेट के बहुत अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी हमारी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर अभी चेक कीजिए। 10% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है। तो एनबीसीसी में आ चुकी हैं यहाँ पर वैकेंसीज, आइए जान लेते हैं किसके लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो सिविल साइट इंस्पेक्टर सिविल की यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, और 80 वैकेंसीज हैं ये टोटल, जिसमें से 33 अनरिजर्व्ड, ओबीसी की 21, एससी की 12, एसटी की 6 और ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर्स रखी गई है, और 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड है। 60% मार्क्स आपके डिप्लोमा में आने चाहिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 55% मार्क्स डिप्लोमा में होने चाहिए। मिनिमम 4 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ पीएमसी, ईपीसी, रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका होना ही चाहिए। 31,000 रुपये पर मंथ आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें साइट इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की, तो 40 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड 16, ओबीसी 11, एससी 6, एसटी 3 और ईडब्ल्यूएस 4 वैकेंसीज आई हैं, और 35 साल ही एज लिमिट है, और यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 60% मार्क्स से। और अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 55% मार्क्स से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और मिनिमम 4 साल का ही एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में, और 31,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और इसके बाद अगर हम बात कर लें जॉब लोकेशन की, तो कहीं पर भी इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन जो है वो रखी जा सकती है। और इसके बाद पे, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, 31,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। और इसके अलावा मेडिकल रीइंबर्समेंट और एनुअल पीएलआई 6,000 रुपये पर एनम आपको मिलेगी, और 8 कैजुअल लीव्स और 20 अर्नड लीव्स मिलेंगी। 4.8 लाख रुपए का यहाँ पर सीटीसी आपका बन जाएगा। और अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट, आपको पता ही है, मैं आपको बता भी दूंगा। आपको 25 मार्च 2021 से आप अप्लाई कर सकते हो, और वेबसाइट पे जाके आपको करियर विद ह्यूमन रिसोर्सेज पे जाना है। वेबसाइट कौन सी है, nbccindia.com। इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके 14 अप्रैल 2021 से पहले पहले फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। इसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर और बाकी सब अपलोड करके डिटेल्स, आपको फ़ीस भर देनी है 500 रुपये, और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बहुत ही इजी है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, और आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 60% मार्क्स अगर आपके आ जाएंगे तो आपको मेरिट के आधार पर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो 21 सिटी डिसाइड किए गए हैं, इनमें से कोई भी आपका बन सकता है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, जम्मू, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ,
पटना, भुवनेश्वर, इंदौर, पुणे, हैदराबाद, कोची, देहरादून, रांची, रायपुर और विशाखापट्टनम। और आपको अपनी चॉइस जो है वो फॉर्म में बिल्कुल भर देनी है, और एप्लीकेशन आपको ईमेल के ज़रिए मिल जाएगी, एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर। और आप अभी जाके अप्लाई कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए जब आप अप्लाई कर लो, और अगर आप सिलेक्ट हो जाओ तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, सो दैट हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और डेट जो है वो आपको जल्दी बता दी जाएगी कि कब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको इस वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करना है, लेकिन अगर आप विजिट नहीं भी करना चाहते तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, वहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमेशा की तरह। और इसी के साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिल जाते हैं सभी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, गेट, एसएससी, जेई या स्टेट लेवल जेई, एई, एसडी, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फ्री टेस्ट सीरीज सभी स्ट्रीम्स के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल या फिर ईसी, सभी के लिए आपको यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी के अभी हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर लेकर आता रहता हूँ ऐसे ही, और जॉब अलर्ट्स, जॉब नोटिफिकेशंस, स्टडी मटेरियल सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी, अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार, थैंक यू।